भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो आपको कुछ नया दिखता होगा भाई यहाँ पे। अभी असल में हम लोग आए हैं एक ट्रिप पे, मेरे दोस्त की शादी है, मतलब मेरे क्लासमेट की। जब मैं कॉलेज में था तो यहाँ रामनगर में मैं पढ़ता था, तो यहाँ पे मेरे क्लासमेट की शादी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लड़का लड़की दोनों मेरे क्लासमेट है और ये लव मैरिज है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कुछ, हम उसके रिसेप्शन में आए हैं और उनसे मिलाएंगे भी। हम अभी हैं रामनगर में और यहाँ पे हमने एक होटल बुक किया है जिसका चार्ज 1000 है। और देखो काफ़ी अच्छा है ये किंग साइज बेड, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है भाई, अच्छा है। फ्रेंड का अभी वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली वो आएगा कार लेकर के, फिर उसी के साथ हम लोग निकलेंगे। फ्रेंड का नहीं, रहमत का वेट कर, रहमतुल्लाह का। एक बार हमने उसका वीडियो बनाया था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था बहुत पहले स्टार्टिंग में, भी था उसको हमने तो, लेकिन अच्छा लड़का है। और जो जिस फ्रेंड की शादी में हम आए रिसेप्शन में, वो भी बहुत मस्त लड़का है। जब मैं यहाँ पे आया था तो कर्नाटका में वो मेरा पहला दोस्त था कर्नाटका का, तो इसीलिए मैं शादी में आया। अभी थोड़ा देखेंगे, जो इन्जॉयमेंट करेंगे, पुरानी यादें भी ताज़ी होगी, कई फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिलेंगे अगर जो भी आता है। और दूसरी बात कि आपको स्टोरी भी बताएंगे हम कि उन लोगों का कैसे हुआ सारा सेटिंग, थोड़ा इसके अंदर ट्विस्ट भी है, तो वो आपको हम चल करके वहाँ जब उनसे मिलेंगे तब फिर बताएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, मतलब सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं ना, वो वाला सीन है यहाँ पे। यहाँ पे मैं तैयार हूँ और मेरा ब्लेजर भी लेके आया है, जो कि आपने देखा होगा एक ब्लॉग में मैंने खरीदा था, तो बस इसको पहनना है, जूता पहनना, और हम तैयार हो जाएंगे। रहमत आ जाएगा तो हम उसके साथ ही निकलेंगे। फाइनली रहमत आ गया। ये हमारा लॉज है, ये श्री बालाजी डिलक्स लॉज, और यहाँ हम रुके हैं। काफी अच्छा इनका मेंटेन करके रखा है इन्होंने। इतना लेट किया भाई, ये क्या बताएं। बाप रे बाप, बहुत लेट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील। ये हमारा दोस्त रहमत, आपने देखा होगा इसको। चलो निकलते हैं। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको अब शादी में, रिसेप्शन में। सीधा हॉल पे मिलेंगे, मैरिज हॉल। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज मेट सब, बैचमेट सब, और ये है पुजिता हमारी बैचमेट, ये है फराज, और इधर देख भाई, इधर कहाँ देख रहा है, शाफू क्रिकेटर। ये रहमत, इसे तो जानते ही हो। और इस साइड हमारा फ्रेंड आ रहा है, उसकी एंट्री हो रही है, ग्रैंड एंट्री। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे अभी म्यूजिक बंद हुआ है, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी फिर स्टार्ट हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि भाई कॉपीराइट आ जाता है, तो उसका अभी मैं दिखाता हूँ ग्रैंड एंट्री कैसे हो रही है। उस साइड स्टेज लगाया गया, हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं शकील। हाँ बहुत देर हो गया, काफ़ी लेट कर। नहीं एक्चुअली क्या है, हम लोग देर नहीं, हम लोग पहले आ गए थे। नहीं नहीं पहले नहीं है, सलीम ने 7 बजे का टाइम दिया, अभी 9:15 हो रहा है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। हाँ और इसे भी बहुत लेट हो रहा है, असल तो उसी
लगता है वेट करना पड़ेगा अभी तो होना ना जी। हमारी प्लेटें सज चुकी हैं, सबकी सज चुकी है, स्टार्टर ये सब है, ये वाला स्टार्टर है। किसके साथ खाओगे उसको? वो किसी के साथ खाना है, चिकन है, मटन है, मैं निकालूंगा। नहीं नहीं भाई, हम सर्व कर देते हैं। ये जो है यहाँ की फेमस रोटी है, ये चावल का होता है, पता नहीं कैसे बनता है ये चावल का, यहाँ के कर्नाटका में ये बहुत चलता है। ऐसा ऐसा लगता है धागे की रोटी बना दिया इन्होंने, मतलब हर शादी वादी में, लेकिन बहुत फेमस है ये। हम लोग अब खाना खाते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हल्ला कर रहा है, इसको घर पर मार पड़ेगी ज़्यादा लेट किया तो। मार नहीं यार, मुझे कल काम है। भाई खाना हो गया हमारा कंप्लीट, और सलीम भाई खाना लाजवाब, बहुत बढ़िया था माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया खाके, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक नई ज़िंदगी। हाँ सलीम, देखो और नौदीन दोनों हम लोग मुबारक हो शादी। हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाया स्टेज पे, बिकॉज हमने देखा बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो हम बहुत ज़्यादा देर तक हम आपके साथ वहाँ पर नहीं खड़े रह पाए, वो सही भी नहीं रहता, सबको टाइम मिलना चाहिए। तो हमारी तरफ से भाई दिल से शुक्रिया और दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी ज़िंदगी आगे सारी ज़िंदगी खुशी हो, ऐसी ही आप खुश रहो, खुश रहो, सक्सेस मिले और बहुत सा प्यार खुशी। और हम इनकी स्टोरी हम जो बताना चाह रहे थे आप लोगों को, तो क्या स्टोरी बताओ शकील। स्टोरी ये है कि ये लोग बैचमेट थे, जैसा मैंने बताया मेरे बैचमेट, और फिर दोनों रिलेशनशिप में आए, और सलीम का ये सच्चा प्यार था, उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। क्योंकि जब ये नौरीन के फादर के पास गए शादी के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप तो अभी कोई काम नहीं करते हो, हम आपको कुछ काम, कुछ मोहलत देते हैं, कुछ वक्त देते हैं, आप काम करो, कोई जॉब पाओ, अच्छा पैसा कमाओ, उसके बाद हम शादी करा देंगे आपकी। तो सलीम ने काफ़ी मेहनत किया और काम स्टार्ट किया, उसके बाद इनकी शादी हुई है। तो आप एक्चुअली इनकी जो स्टोरी है भाई थोड़ी फिल्मी है, एक्चुअल में सलीम ने काफ़ी मेहनत किया भाई, सलीम ने काफ़ी मेहनत किया, 2-3 साल हो गए काम किया, उसके बाद अब जब उसका अच्छे से काम चलने लगा है, जॉब अच्छा हो गया, अच्छा पैसा आने लगा है, तो जाके इन्होंने फिर से हाथ मांगा और इनकी शादी हुई। हाँ तो भाई आप भी अगर आपकी भी अगर कोई सच्ची मोहब्बत है, आप चाहते हो और उसको पाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ किए नहीं हो, तो भाई उसको पाने का तमन्ना छोड़ दो, समझे। पहले कुछ करो अपनी ज़िंदगी में, कुछ हासिल करो, उसके बाद फिर अपनी तुम्हारी जो ख्वाहिश है, तुम जो चाहते हो वो तुमको मिलेगा। मैं आज के लड़कों को कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, मोहब्बत करो तो ऐसी करो, नहीं तो आजकल की जो चिंदी मोहब्बत होती है ना करो तो बेहतर, उससे क्या होगा, आपका पढ़ाई बर्बाद होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, उसके बाद जो पूछने वाला भी रहेगा ना वो भी नहीं पूछेगा। तो मेहनत करो, जॉब करो, उसके बाद अपने मोहब्बत को पाओ तो ज़्यादा बेटर है, और वो सही तरीका है, और आपको मिल भी जाएगी, ज़्यादातर चांसेस है। तो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन सलीम भाई और नौरीन। और इस स्टोरी में मैं गलत हो सकता हूँ, है ऐसा ही, मतलब थीम वही है। हाँ, हो सकता है बताने आप में लोग देखते हो ना अक्सर फिल्मों में कि लड़की होती है भाई, लड़का उतना कुछ कर नहीं रहता है, लड़की से प्यार कर लेता है, उसके बाद फिर लड़के के माँ बाप जो होते हैं बोलते हैं पहले पैसा कमाओ तब फिर लड़की मिलेगी, फिर जाता है बहुत मेहनत करता है, उसके बाद पैसा कमाता है, अपनी लाइफ को स्टेबल करता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, वैसे ही कुछ इसका। मैं इससे सहमत भी हूँ नौरीन के फादर से, मैं सहमत हूँ, ये सही तरीका है भाई, जब तक लड़का अच्छे से कमा नहीं खा नहीं रहा है कैसे खुश रखेगा किसी को। देखो भाई, जो भी इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, जो भी समझदार आदमी होगा, वो यही करेगा। और बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने इसको टाइम भी दिया, दो हाँ। साल का टाइम दिया कि भाई आप करो, आपके पास टाइम है, इतना में तो कोई भी कर सकता है, यार अगर उसके पास टैलेंट होगा और सच में मोहब्बत करता है तो उसने किया, उसने अपने आप को सक्सेस किया पहले, उसके बाद फिर अपनी मोहब्बत को जीत लिया। तो चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जो मेरा जो फ्रेंड है बहुत परेशान हो रहा है, अगर ज़्यादा लेट होगा तो भाई वो घर पे मार खा जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी देखो तुम तो दिखाते हैं वो कर क्या रहा है। असल में पहले मुझे आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम? हाँ, स्टोरी बता दी, अब जो मेरा गला सूख रहा है तो आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, थोड़ा लाइट वाइट लगा लेते हैं भाई यहाँ पे। ये कैमरा है।
का नाम है। चलें? चलो तुम पान खा लियो ना। नहीं ऐसे नहीं, नहीं, नहीं सर्दी हो जाती है। चलो ठीक है, हम लोग कार में चलते चलते खाते हुए निकल जाएंगे। वहाँ स्टेज लगा है और आई थिंक ये गाड़ी सलीम की है। सब लोग बिजी है भाई, सलीम के साथ फोटो खिंचाने के लिए। सलीम दुल्हन के साथ। सलीम को गाड़ी कौन सी मिली है, चलो हम दिखाते हैं। और सलीम और नौदीन बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई आप दोनों। हाँ सच में बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छे लग रहे थे भाई। और सलीम और नौदीन बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, नज़र ना लगे किसी को, दोनों मतलब एक के लिए बने हो, जो कहते हैं ना रिश्ता दो जिस्म एक जान, रिश्ता ऊपर से जन्नत से बना है कुछ हाँ। ऐसा कहते हैं ना, तो वैसा ही है, काफ़ी अच्छे लग रहे हो। और ये देखो उनकी ये है रथ। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हमारी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, ओपन कर लिया। तो चलो भाई अब होटल में चल के मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे अंधेरा, आइसक्रीम भी पिघल रहा है, तो इसको खा लेते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने होटल पे और पार्टी ख़त्म हो गई। एक्चुअली पार्टी तो चल ही रही थी, हमारी पार्टी ख़त्म हो गई, खाना वाना खा करके हम लोग आ गए हैं और अब सोएंगे और सुबह में फिर यहाँ से निकलेंगे बाइक चला करके। करीब 50-60 किलोमीटर फिर हमें जाना है बाइक से। मैं आया था और फिर यहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है, यहीं पे पास में ही मेरा कॉलेज भी है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो वीडियो को। जो भी सलीम पीर को जानता है और जो शादी नहीं में नहीं आ पाया है उसको शेयर करो, वो देख लेगा भाई, थोड़ी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आराम करना अब ज़रूरी है।